मुर्तजा भाई, आप जरा इसका एक्सेंट बताएं कि ये किस तरह की हरियाणवी, तो चलो आपकी होगी, हम जाना सारे हरियाणवी कौन सी है, हाँ ठीक जी है? हाँ जी, तो रोहतक बाकी जो हिसार हैं, वाली हरियाणवी होगी। हाँ बाकी जो हैं, रंगड़ा की छोड़ दो, इस पे आ जाओ, जो पंजाबी या मुल्तानी या खाने वाला ली या यो है, वो कौन सा लहजा बता दो जरा। हाँ जी, पंजाबी जो है वो जलंधर और फिरोजपुर की, जैसे सिख बोलते हैं भी, किथे गया सी अच्छा मैं उत्थे गया सी, अच्छा वो सी वो वाली सी का बात आ गई। इस्तेमाल जिसमें ज्यादा हाँ होता है। जी हाँ जी जी, जी और जैसे जो बेसिक जो ठेठ पंजाबी है जो किताबों में लिखी जाती है, उसके बाद है जी, फिर उसके बाद आ गई इत्थों वाली जगोची बोली, कि दे वहींदा पिया टुक्कर अच्छा खादा ही कोई नहीं खादा। ठीक है, मतलब ए ओ बोली हो गई जेडी मौलाना तारिक जमील साहब भी बुलेंदन। जी तारिक जमील दी जुबान जी, ये बोली असा बोलेने सारा दे, क्योंकि साडा वास्ता ही ना लोगों। हाँ बाकी शहर दे विच बाउंडरी दे अंदर जेडे बच्चे स्कूल पढ़ते हैं इस बोली वाले, वो हाँ 100% हरियाणवी बोल भी लेंगे तो समझ भी लेंगे, तो फर फर बोलेंगे ना, उन्होंने तुम ये जान नहीं सकते भी ये हरियाणवी है या पंजाबी। तो अब फिर ये जो मुल्तानी है ना बाहुलपुर से, बोलो बाहुलपुर की और मुल्तान की जो बोली है, ये बिल्कुल आपस में थोड़ा सा इनका बहुत फर्क है काफी सारा। सबसे मीठी जो है वो बाहुलपुर की रियासती है, रियासती जुबान है, उसको रियासती अच्छा कहते हैं, अच्छा 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 उसे 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 सरैकी या मुल्तानी नहीं कहते, रियासती जुबान। ठीक है। इन बोलियों में सबसे मीठी जुबान जो है वो रियासती बाहुलपुर की है, और जो सबसे सख्त जो इस बोली में है वो मियां वाली की थलोची है। थलोची, अच्छा नमस्कार जी, हमारे पास ज़बान के हवाले से बड़ी सारी चीज़ें आ चुकी हैं। मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था कि हाँ हम कौन कौन से ज़बान कहाँ कहाँ बोलते हैं, उस हवाले से हमने बड़ी सारी चीज़ें कलेक्ट कर ली हैं। कुछ लोग पूछ रहे थे कहाँ भेजें, कुछ लोगों ने भेज दी, और कुछ लोगों को अभी भी कुछ चीज़ों की मतलब ज़रूरत थी, वो पूछना चाह रहे थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जिन्होंने भेजनी थी वो आ चुकी हैं। और इस बीच मुर्तजा, जो कि आप जानते हैं वो किरावड़ से हैं और उधर सराय सिद्धू में हैं, उन्होंने एक ऑडियो मैसेज भेजा था, लेकिन मैंने कहा कि इसके अंदर आपने जो मैसेज भेजा है वो तो फिर सिर्फ उर्दू उर्दू में ही है ना, इसमें ज़बानों की तो बात हो ही नहीं रही, तो उनके साथ बात कर लेता हूँ ताकि कुछ और लहजे पता चल जाएँ। और मुर्तजा भाई को मैं लाइन पर ले रहा हूँ। जी मुर्तजा भाई, क्या हाल है जी जी? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा आपने जैसे अभी बताया कि आप ये वाली ज़बान बोलते हो, लेकिन मुझे उसके लहजे नहीं मिले, तो सबसे पहले तो आप ये बताइए आप यहाँ से कहाँ से गए थे? यहाँ के हमारे बुजुर्ग जो थे किरावड़ से गए थे, बिल्कुल तोशाम के साथ लगता गांव है, तोशाम और खानक के बीच में। जी हरियाणा के सारे लोग पहले तो जानते इसकी हैं। तहसील, हाँ जी, तहसील हांसी थी, जिला हिसार था, अब तो शायद भिवानी और तोशाम हो गया। जी और तो वहां से हमारा जो गांव था ये तकरीबन 90% जो है सराय सिद्धू में आके आबाद हुआ है। सराय सिद्धू एक बहुत पुराना कस्बा था, उस वक्त भी इसकी 20,000 के लगभग आबादी थी, जिस वक्त यहाँ हिंदू लोग आबाद थे, जिसमें खन्ने खुराने भाटिये ऊंची जात के लोग थे, और बहुत ही खूबसूरत इमारतें थी जो उन्होंने बनाई हुई थी, जो आज भी खड़ी हैं, कुछ गिर गई हैं। और ये बहुत ऐतिहासिक है, यानी कि ये किसी दौर में सराय सिद्धू जो था, ये जो कश्मीर से बिहार चीड़ की आने वाली लकड़ी का जो था ये सी पोर्ट था, दरियाए रावी में रुकती थी, वो वहां से निकल के फिर मुल्तान जाती थी दरिया के जरिए, अच्छा वहां से खुश्की पे निकाली जाती थी, और सराय सिद्धू बाजार से होती हुई ऊंटों पे लद के ये फिर जाती थी मुल्तान। यानी कि इतना बड़ा बिजनेस हब था ये ठीक है। खत्रियों का। और उनके जाने के बाद हमारा तकरीबन इस जगह आबादी 25,000 इस वक्त है सराय सिद्धू की आबादी, इसमें 10 से 12 हजार किरावड़ के लोग हैं हरियाणवी, जिसमें राजपूत बिरादरी 95%, और बाकी मुख्तलिफ गांव के हैं, कलानौर है, कानौर है, दो दो चार चार घर उनके भी हैं। उसके बाद है बड़ी कम्युनिटी जो आई है इंडिया से, जलंधर फिरोजपुर होशियारपुर लुधियाना, इसके राजपूत भी हैं और अराई बिरादरी भी है। ठीक है, चलो ये तो हुआ कि कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ बैठे हैं।
ये वाला हुआ, लेकिन जो ज़बान के हवाले से जो हम वीडियो करने जा रहे थे उसके अंदर आप हमें ये बताएं कि जब आप हरियाणा से 47 में गए तो जो ज़बान बोलते थे उसका एक लहजा हमें बताएं, उसका एक स्टाइल हमें बताएं। यशपुर जी, मैं दोबारा रिकॉर्ड करके ना, जैसा आप चाह रहे हो ना, वो जंगी टच वाला। हेलो। नहीं, मैंने आपसे सवाल पूछा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ मैंने आपसे ये कहा है कि जो ज़बान आप लोग यहाँ पे हरियाणा में बोला करते थे उसका एक लहजा बता दें, और फिर उस ज़बान को यहाँ क्या कहते थे वो आप बता दें। हरियाणा में तो जी इसने रंगड़ी भी कहे थे, और पाकिस्तान में तो रंगड़ी कहे ज्यादातर, राजपूती जुबान के नाम से मशहूर है। जब भी आप, वैसे तो हरियाणा की बहुत बड़ी बड़ी कम्युनिटी आई है इस जगह से, लेकिन बड़ी कम्युनिटी रंगड़ों की है। जब आप कहीं भी शहर में जुबान बोलोगे ना जाके, तो वो आपको राणा साहब कहेंगे, चाहे आप किसी बिरादरी से। हरियाणा बोलने वाले, हरियाणवी बोलने वाले कुम्हार भी हैं, सैयद भी हैं, अच्छा, और बिरादरियां भी हैं। हाँ, लेकिन वो फट से आपके मुंह से, जो यहाँ का लोकल बंदा होगा उसके मुंह से निकलेगा राणा साहब। तो यानी कि ये हमसे रिलेटेड कर दी गई है, और उस वक्त भी इसका रंगड़ी का जो था उस जगह हरियाणा से पहले, इसको हरियाणवी जुबान को रंगड़ी जुबान कहा जाता था। इस अच्छा पर यही लोग आए भी थे, इन लोगों की ये बड़ी जुबान थी। लेकिन ठीक है। उसके बाद फिर इंटीग्रेट हुआ है, पाकिस्तान बनने के बाद सूबा नया बनाया, बना तो हम तक ये बात बहुत लेट पहुंची है। ठीक है, ये सोशल मीडिया आने के बाद ये बात पहुंची है, भी ये जुबान एक हरियाणवी है, वरना इसे यहाँ रंगड़ी जुबान या राजपूती जुबान ही कहा जाता था। और शायद पार्टीशन से पहले भी कुछ ऐसी बातें मिलती हैं। हाँ मुर्तजा भाई, वो कुछ यूं हुआ ना कि जो हरियाणा सूबा बाद में आपके जाने के बाद बना, तो सूबे के हिसाब से ज़बान का नाम दे दिया गया, और आपके टाइम पे ये सूबा पता नहीं रांगड़ों का माना जाता था, या क्यों इसे रांगड़ी जबान कहा जाता था, या क्यों इसे रांगड़ वालों का एरिया कहा जाता था, तो शायद इसीलिए इस जबान को रांगड़ी कहते होंगे। लेकिन आपके जाने के बाद ये हरियाणवी सूबे का बनना हुआ तो ये जबान हरियाणवी बन गई। ये जो इलाका था ना हरियाणा का, ये डिवीजन अम्बाड़ा और कुछ पटियाला, हाँ ये बेसिकली तो ये दिल्ली का हिस्सा, सूबा दिल्ली। ठीक है। इसका लहजे का असर दिल्ली की उर्दू पे भी था। आप अगर गालिब की शायरी उठाओ, मीर तकी मीर की उठाओ, तो इस पे हरियाणवी लहजे की छाप मिलेगी आपको। ठीक है। और दूसरी बात ये भी, इसका हरियाणा नाम क्यों पड़ा? हरियाणा नाम इसलिए पड़ा कि ये जो हमारे लोग थे ना, मोस्टली ये लोग जो मुसलमान हुए थे, हिंदू राजपूत से मुसलमान हुए हमारी कम्युनिटी, जिसमें चार बहुत बड़े थे, चौहान, पंवार, तोमर और मडाड़। ये लोग हमेशा ही मुगलों के खिलाफ रहते थे। आप अच्छा, कहीं भी तारीख उठा लीजिए, मुगलों के दरबारी नहीं थे ये, मुगलों से चिढ़ते थे। इन्होंने हमारा राजपाट छीन लिया, वहां से भी ये लफ्ज क्रिएट हुआ। सुना भी, हरियाणा घेरने वाले, घेर के लूटने वाले। हाँ, हेर के लूटने वाले। ये भी है एक, यानी कि एक, ये एक तारीख का टच है ये। कोई किसी को माने ना माने वो एक अलग बात है, एक ये अच्छा, टच भी है इसका। हाँ, हेर मतलब क्या? और ये हमेशा हेरना, हेरना अच्छा, हेरना। ओके, ये हेरना भी एक, उसमें कहते हैं ना हरियाणवी में, हेरिए रही ना हेर ले, यानी हाँ, कि घेरा दे लो, घेरा हिसार दे में ले लो। लो इसको। जी, तो ये समझा। हेर लेते थे, हेर हेर के उन काफलों को लूटते थे, अंग्रेजों के काफलों को लूटते थे, उससे पहले मुगलों के काफले को लूटते थे। ठीक है, पानीपत में जितनी जंग हुई है ना, उसमें सब रंगड़ मुगलों के खिलाफ लड़े हैं। ये एक तारीख, ठीक है। कभी भी उनके साथ नहीं लड़े। वो क्यों नहीं मिले इनके साथ, ये हमें, मुझे उस बारे में कोई इल्म नहीं, उसकी वजह क्या थी। लेकिन उसके असरात मैंने पाकिस्तान में भी देखे हैं। हमारे बुजुर्ग जो है ना, वो जैमल फतेह, महाराणा प्रताप, इनकी बातें करते थे, इनको हीरो मानते थे, हाँ, मुगलों का जिक्र कभी भी नहीं करते थे, वाह। मुगलों का जिक्र नहीं करते थे। तो ज़हनी तौर पर तो ये फिर हिंदुओं के साथ थे।
हाँ, जहनी तौर पे यूं समझ लो भी जो समाजी तौर पे है ना, ये सपोर्ट रहे उसके थे। आप कितने भी गांव ले लो जो कत्लो गारत हुई है ना इनकी पुराने दौर में, वो हिंदू राजपूतों के पक्ष में लड़ने की वजह से हुई है। ठीक है। जब ये मुसलमान राजे हिंदुओं पे टैक्स वगैरह लगाते थे या कुछ जोर जबरदस्ती करते थे, तो उसका सामना फिर ये लोग करते थे भी, हमारे भाई हम ये जाते नहीं करने देते, सही है। हिंदू है तो क्या हुआ, क्योंकि उस वक्त राज मुसलमानों का था, जिसका राज होता है वो जोर तो चलाता है अपना। ये काफी सारी ये मिसालें हैं, कई गांव की हैं जहाँ कत्लोगारत हुई, लोग पकड़े गए मारे गए, क्योंकि हुकूमत से लड़ना कोई आसान काम तो नहीं था ना। तो ये है कुछ इसके बारे में। अच्छा, हम लोग ना ट्रैक से थोड़ा अलग चले गए हैं। हम कर रहे थे जबान की बात, हम आ गए हरियाणा की उस बात पे। मेरे को एक चीज़ बताइए, आप सराय सिद्धू में हैं, सराय सिद्धू में कितने एक्सेंट हैं? जैसे जंगोची भी होगी, जांगली भी होगी और हाँ, मैं मुल्तानी भी बताता होगी, हूँ, बताते सराय जाइए। सिद्धू की आबादी मेरे अंदाजे के मुताबिक 25 और 30 हजार के दरमियान है। हो गई। मैं 70 से 75% जो आबादी है वो माइग्रेटर लोगों की है, हो गई। उसमें हरियाणवी है 90% और 10% है पंजाबी स्पीकिंग, जलंधर, लुधियाना और फिरोजपुर वाली बोली बोलने वाले लोग। मुर्तजा भाई, आप ज़रा इसका एक्सेंट बताएं कि ये किस तरह की हरियाणवी, तो चलो आपकी होगी, हम जाना सारे हरियाणवी कौन सी है, हाँ जी, हाँ ठीक जी, है? हाँ जी, तो बाकी रोहतक जो हिसार हैं, वाली हरियाणवी होगी। हाँ बाकी जो हैं, रंगड़ा की छोड़ दो, इस पे आ जाओ, जो पंजाबी या मुल्तानी या खाने वाला ली या यो है, हाँ वो कौन सा लहजा हाँ बता दो ज़रा। हाँ जी, पंजाबी जो है वो जलंधर और फिरोजपुर की, जैसे सिख बोलते हैं भी, किथे गया सी अच्छा मैं उत्थे गया सी, अच्छा वो सी और वाली सी का बात आ गई। इस्तेमाल जिसमें ज्यादा हाँ होता है। जी हाँ जी जी, जी और जैसे जो बेसिक जो ठेठ पंजाबी है जो किताबों में लिखी जाती है, उसके बाद है जी फिर उसके बाद आ गई थोड़ी जगोची बोली, कि दे वहींदा पिया अच्छा टुक्कर खादा ही कोई नहीं खादा। ठीक है। मतलब ए ओ बोली हो गई जेडी मौलाना तारिक जमील साहब भी बुलेंदन। जी तारिक जमील दी जुबान जी, ए बोली असा बुलेने सारा दे, क्योंकि साडा वास्ता ही ना लोगों नाल। हाँ, बाकी शहर दे विच बाउंडरी दे अंदर जेड़े बच्चे स्कूल पढ़ते हैं इस बोली वाले, वो हाँ 100% हरियाणवी बोल भी लेंगे तो समझ भी लेंगे, तो फर फर बोलेंगे ना उन्होंने, तुम जान नहीं सकते भी ये हरियाणवी है या पंजाबी। ऐ जो बंदे उम्र रसीदा बंदे जेडे इथू दी ठेठ बोली बोलने वाले हैं जंगी बोली, उन्होंने मैं हरियाणवी बोलेंगी तो वीडियो क्लिप बना के गलेसा तुम मैंने समझाण के विखा दो भी बंदा माइग्रेटर है या लोकल है, तुम कभी भी नहीं समझाण सको। यानी कि जेडे बच्चे स्कूल पढ़ते ना हाँ सराय सिद्धू दी बाउंड्री के अंदर, वो हाँ 100% हरियाणवी बोल भी लेंगे तो समझ भी लेंगे। ए हेन कौन, ए ये रंगड़ा दे तारीख बालन। अच्छा नहीं, लोकल जेडी इथू दे हैं, मतलब मुख्तलिफ बिरादरी तो भी, यानी कि मतलब दरखान भी हैं, को सैयद भी है, कोई लोहार भी है, योइया भी है, इस तरह करके मुख्तलिफ कम्युनिटी, को सयाल भी है, अच्छा यानी कि ओ बड्डी लोग कौम जिमें है लोकल छोटी बोली कौम है, बोल लेने तुहाडे वाली। बिल्कुल साडे वाले हो, तुसी उन्हें समझाण ही नहीं सकते भी ये रंगणा दा बाल है या लोकलां दा बाल है। हाँ उंजे हो है ना, जिमें ते हुन दूसरी साडे गल है, इत्थे पंजाबी जड़े बंदे हैं या मुल्तानी हैं, हरियाणवी चंगी तरह बोल लेंदन। हाँ बोल लेंदा, असा तो बोले नहीं है 100%, साडा तो 100% बंदा है बोली बोल लेंदा, हुन असां भी लेकिन तो वो बोलेने ही हैं कई बीस बारी। परसेंट बंदे ही, क्योंकि साडी जुबान अकलीत है नहीं, ये जुबान अक्सरियत है जी, अक्सर रंग तो हाँ हमेशा वो चढ़ता है ना जेड़ा गूढ़ा हो, साथे तो ये रंग चढ़ना ही ना इस बोली का, कि इस तरह तुहाडे उत्ते हरियाणवी का रंग चढ़िया है ना, पंजाबी का रंग हरियाणवी तो नहीं चढ़ सकिया, इसी तरह साडे उत्ते जंगी जुबान का रंग चढ़िया है, लेकिन यह है भी साडी आबादियां थोड़ी वड्डिया वड्डिया हैं, उस दे हिसाब नाल इथों दी जिहड़ी लोकल कम्युनिटी ने हरियाणवी ने समझदी भी बड़ी अच्छी तरीके नाल ते बोल भी लेंदी। अच्छा ते होर केड़ा एक्सेंट है पिया उत्थे, मुल्तानी भी बोले देन। मुल्तानी नहीं है जी सराय सिद्धू, सराय सिद्धू से ये तकरीबन है जी 55 किलोमीटर अच्छा पुल रंगो बॉर्डर है जंगी जुबान दा ते मुल्तानी जुबान दा, ठीक है। पुल रंग हो जेड़ा है वो जंगी जुबान दा ते मुल्तानी जुबान दा ए बॉर्डर एरिया है, ठीक हो उत्थों गया। मुल्तान शुरू हो जाता है ते कबीरा तहसील खत्म हो जाती है, ए वो बोली खत्म हो जाती है, वो बोली शुरू होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी खूह है ना अगर तुसी जाओ ना ते एक बोली अजीब जी संगम दी बोली है, वो देवे सरैकी भी अपने मुल्तानी ते
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੰਗੀ ਇਹਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਬੋਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਸਣ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਦਾ ਲੈ ਜਾਵੀ ਤੇ ਜੰਗੀ ਦਾ ਲੈ ਜਾਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਕੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਵੋ ਹਰਿਆਣਵੀ ਟੱਚ ਮੇ ਹੈ। ਹਾਂ पटियाले की जो पंजाबी है, बल्कि मजाक में यहाँ के जो पटियाले के लोग है लोहारो कह देते हैं, एक मजाक की बता रहे, मतलब पायरे रंगड़ा कोल तो कब्र भी ना बनाई ने, पे पे कब्र दे विच भी लत्ता मारनिया ने तो इस बोली के हमारे राजपूत भी हैं, पटियाले से आए हुए रिश्तेदार हैं हमारे। अच्छा तो ये जो पटियाले वाली मैंने आपको बताई है ना मिक्स, हाँ ये एक यानी इस जो है रंगपुर का इलाका, इसमें मुल्तानी और जोंगी मिक्स एक जुबान है जो शायद आपने कभी ना सुनी हो, कम हाँ लोग ही मिलेंगे इसके आपको। बिल्कुल बिल्कुल समझ गया मैं। इसका आप इसके हमारी बोली का एक और चले जाओ, एक बोली बोली जाती है करनाल में हरियाणवी नर्तकी कहते हैं जिसको, एक है रोहतक हिसार की। अच्छा जब आप भुन्ना और बोस्त की तरफ, भुन्ना और बोस्त के बॉर्डर पे जाओगे ना, उस जगह ये दोनों जुबानें मिक्स हो जाती हैं। ठीक हो गया। उसमें आपको रोहतक का लहजा भी मिलेगा और करनाल का लहजा भी मिलेगा, ये सेम इस तरह है, यानी कि ये जुबानों की खूबसूरती है। तो अब फिर ये जो मुल्तानी है ना बाहुलपुर से, बोलो बाहुलपुर की और मुल्तान की जो बोली है ये बिल्कुल आपस में थोड़ा सा इनका बहुत फर्क है काफी सारा। सबसे मीठी जो है वो बाहुलपुर की रियासती है, रियासती जुबान है, उसको रियासती अच्छा कहते हैं। अच्छा 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 उसे 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 सराकी या मुल्तानी नहीं कहते, रियासती जुबान। ठीक है इन बोलियों में सबसे मीठी जुबान जो है वो रियासती बहावलपुर की है, और जो सबसे सख्त जो इस बोली में है वो मियांवाली की थलोची है। थलोची। अच्छा थलोची हाँ, थल का इलाका है ना, हाँ जो तारिक अकबर जो बोली बोलता है, हाँ हाँ जो वो सबसे सख्त लहजा है ठीक इसका। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हाँ थलोची दांदा पे आवे, तो हाँ आप तो कह दे मैं तो नंदा पे हाँ हाँ नांदा पे आवे, हाँ वो अक्सर दांदा पे है, दांदा पे है, अच्छा जी यानी वो समझने के लिए आपको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा। और बहुत से इतनी स्पीड से बोली जाती है ऐसे लगता है बंदा वो पश्तो बोल रहा सही 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 है। मियाँ वाली डेरा गाजी खान जो पश्तो इलाके से अटैच जो इलाके है ना, उस वो जुबान है थलोची। थलोची समझ अब गया। ये उसको भी सराकी में इस्तेमाल करते हैं, ये भी सराकी है, अताउल्ले की बोली है वो, खासकर अताउल्ले की मदर लैंग्वेज है वो, समझ गया। अताउल्ला ईसा खेलवी। हाँ जी हाँ जी हाँ कोई और सवाल है? बस जबान के हवाले से चाहिए था, बाकी तो फिर करता हूँ मैं, इसको ज़रा सेव कर लूँ। जबान ने तो वो किया था ना खट्टर साहब का, हाँ तो वो जुबान ने तो सभी प्यारी है। हाँ